अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ मोहम्मद इमरान तो संद दे पे इमरान साहब की नाजरीन अज दा व्लॉग अल्लाह दे करम फजल दे नाल करे ने स्टार्ट। नाजरीन देखी देवे कि अज धुंद बहुत ज्यादा थी गई, लेकिन डादा टाइम थी बना दा, लेकिन हाल ही तक धुंद के नहीं लथी ते सर्दी ज्यादा है। रही संग मैं अज जड़ा ना मतलब टोपी टाइप जड़िया ना पट्टी बनी हुई है ते वो पाग दी है, सर्दी है धुंद चेक करो। गल नाजरीन इतों देख गिनो के मस्जिद नजर आती है, अपन जूम किया से कल वाली वीडियो, लेकिन इतों मस्जिद नजर नहीं आती पी, कब्रिस्तान भी नजर नहीं आता पाया। ये मतलब अंब नज़दीक हैं पे, उतों जो दरख्त हैं पे वो जो श्री है वह भी नजर नहीं आता पे। नजरीन इतना धुंद है, देखो तुम धुंद चेक करो नाजरीन, तो काफ़ी सर्दी बन गई है तो मजबूरी तो निकलना पड़ता है, काम अगर ना करे सुन तो कल सुन कितों। तो सर्दी आज बहुत ज़्यादा है पी, हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किते, नाश्ता कर के दस इंशाल्लाह हूँ तैयारी ठीक है। तो तुम को इंशाल्लाह विजिट करवे सू सर्दी के माहौल किमें दोनों ने बेने, तो तुम साढ़े चैनल पर नवा है सबसक्राइब लाइक कमेंट जरूर करे सो, तो बैल आइकोन को भी दबे सो ताकि जी सारी नवी वीडियो आई और सब तो पहले आवे। ते नाजरीन माहौल चेक करो, मैं तो दिखे ना जी नाजरीन ये देख सकते पे कि ए वाला जड़ा अंब है ये सिर्फ नजर आता पे, भी कुछ चीज इतना का भरोसा ने यह भी नजर नहीं आता पा। नाजरीन ओ तो मस्जिद है वह भी नजर नहीं आता, जितना वह बंदे बैठे हैं कल वह भी नजर नहीं आता पा, देखो कितना धुंध। चेक करो जी स्नोफॉल हल्की हल्की जिम्मे पमनी पी है ना कि है पे, क्या ही बात है सर्दियों का बहुत अक्सर जो है ना बिजली ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है, इसलिए मैं काम पे जा रहा था। अमीन जान ने कहा है कि पहले तुम जो है ना लाइट पाँच छः दिन से नहीं लगातार आ रही, लोड शेडिंग पे अक्सर आती रहती है, लेकिन जब आती है तो बिल्कुल यानी लो कंडीशन में, जिसे हम डिम कहते हैं, डिम आ रही है रात दिन। तुम कोई पंखा कोई मोटर कोई एक दो बल्ब शायद चलें तो चलें, नहीं तो नहीं, वो भी जब झटके मारती है तो सड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारा डीसी पंप उल्टी तारें, बच्चे ने किसी ने लगा दी उल्टी तारें, तो उसी की वजह से ना वो नीचे उसके अंदर पंप के डीसी पंप के अंदर एक बर्मा सा होता है वो खुल गया है, तो उसका प्रॉब्लम आ गया है, तो जिसकी वजह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत का हाल है। लाइट आ रही है लेकिन डिम आ रही है बिल्कुल, देख सकते हैं आप, ये जी ये हमारा मीटर तक नहीं चल रहा, लाइट हमारे पास खड़ी है लेकिन मीटर तक नहीं चल रहा, तो आगे क्या यानी कोई पंखा वगैरह कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो मोटर भी नहीं चल रही। अगर डीसी पंप था, कल किसी बच्चे ने जो है ना उल्टी तारें लगाई है, तो उसके अंदर छोटी सी मोटर होती है ना, छोटा सा ना सरिये नुमा बर्मा लगा होता है, वो जो है ना वो खुल गया उल्टी तार लगाने से, तो आज उसको सेट करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि पहले मैं जाने लगा था काम पे, तो अम्मी जान ने रोक लिया कि पानी का मसला है, तो जो है ना बिजली तीन चार दिन से पहले तो लोड शेडिंग में अगर आती है तो बिल्कुल इसी तरह डिम आती है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चल रही, यानी अगर कोई लाइटें वगैरह भी चलाएं तो कोई चीज़ नहीं ओपन हो रही, तो सिर्फ यहीं पे ये रेड लाइट हर बोर्ड में चलती है बस, इसके अलावा बल्ब जीरो बल्ब चलता है, बिल्कुल जीरो जो होता है उससे ऊपर वाला पाँच तीन वाट चार वाट या बारह वाट का बल्ब तक नहीं मिलता, तो मोटर का ग्राउंड कहाँ से पहुँचेगी, तो इसीलिए जो है ना वो सोलर पंप को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो और हुकूमत से भी अपील है कि मेहरबानी करके यार तंग मत करो, वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम तो सोल्व करते नहीं हो। सर्दियों में चलो गर्मियों में तो बंदा मसला नहीं है, सर्दियों में तो ये बहुत मसला है यार पानी का, तो लिहाजा मेहरबानी करके इस लोड शेडिंग को पूरा कीजिए। तो नाजरीन आप भी कमेंट्स में बताइए कि कहाँ कहाँ लोड शेडिंग होती है, तो मेरा तो जहाँ तक अंदाज़ा है कि पूरे पाकिस्तान में ही होती होगी, अक्सर यही हाल होता है, तो आज जो है ना सेट करते हैं सोलर पंप को। नाजरीन डीसी पंप हमने बाहर निकाल लिया है, ये रस्सी के साथ पैंप बांधा हुआ है, तो ये हमने नट खोल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ,
ये इसका जी बैक हिस्सा, ये जी इसका नाजरीन ये आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये जी होता है इसका जो बर्मा है जो ना अक्सर उल्टी तार निकालने से जो है ना निकल जाता है, तो इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये नाजरीन इसका नट लगा हुआ है ना बर्मा, इसके ऊपर टाइट कर देंगे, यही खुल जाता है उल्टी तार लगाने से। इसको अच्छी तरह टाइट कर दें, ये जी हमारा टाइट हो गया जी। अब इसको करेंगे फिट, बस इतने से काम नाजरीन होता है, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा करता है कि ये जब उल्टा चलता है तो ये खुल जाता है, जब सीधा चलेगा ये खुद ब खुद टाइट होता रहेगा। ये अभी जो है ना हमने टाइट कर दिया, इसका मसला सॉल्व हो गया, अभी हम इसको सिर्फ फिट करेंगे। ये जी हमने इस तरह ये कर दिया, ये हमने जी लगा दिया, अब इनको करेंगे टाइट। ये जी नाजनी बस इतना सा काम होता है, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा करता है उल्टी तार लगाने से। ये हमारा जी बिजली ने बहुत ही नाजरीन तंग किया हुआ है, अभी इसको कर लेंगे टाइट। किस तरह का टाइट होता है, इस तरह से ऐसे टाइट होगा, स्क्रू से मतलब से चाबी होनी चाहिए तो जल्दी हो जाता है। स्क्रू मेरे पास है, ये स्क्रू मैं स्क्रू से टाइट कर रहा हूँ नाजरीन। अगर आप भी किसी के सोलर डीसी पंप का जो मसला हो तो ये खोल के सेट कर सकता है। सर्दी तो नाजरीन बहुत ज़्यादा है, अभी तक धूप नहीं निकली, तकरीबन 11 का टाइम होने वाला है। सर्दी में हाथ काले अलग हो गए, बिल्कुल यख हो गए। थोड़ी इस तरफ टाइट कर लेंगे ताकि बराबर ये टाइट होता रहे। बस नाजरीन अभी हमने इसको फिट कर लिया है, अभी जो है ना इसके पैंप के ऊपर जो है ना इसको बराबर से ना टाइट कर लेंगे ताकि सही तरीके फिट हो जाए। नाजरे हमने टाइट कर लिया है, अभी इसको पंप को नीचे जाने देंगे। ये जी हमारा पंप का मसला हो गया सॉल्व, अभी बस इसमें पानी डाल के और हमने जो है ना चला देना। नाज़रीन इस वक्त जो हम ना रोड पे पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास आज देने भाई लेके चला गया था वो काम पे, हम सोलर को ठीक करने के लिए घर रुके थे, हमने सोलर भी ठीक किया। अभी हम काम पर जा रहे हैं, सी पैक पे हम जा रहे हैं, तो सी पैक के सॉरी पुल के नीचे से क्रॉस हो रहे हैं। आज की वीडियो थी यहाँ तक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फिर
मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमें ऐसे ही भरपूर तावन करते रहें। अल्लाह हाफिज़।